हेलो एवरीवन, सो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा आप लोग जानते हैं कि डीडीए की तरफ से कुछ वैकेंसीज आउट हुई थी, सो आज उन वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो आपको यहाँ फर्स्ट नंबर पर ही शो हो जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिंक फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज यहाँ पर ओपन होगा और इसमें आप पूरा एडवर्टीजमेंट भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपने पहले इस साइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। और यहां पर मेंशन किया है कि स्टार्टिंग डेट यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है 3 जून 10 बजे से, और जो हमारी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की वो 2 जुलाई और 6 बजे तक उसका टाइम है। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड करना चाहते हैं कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उस पर ऑलरेडी इंजीनियर्स वाला पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है वो हमारी आज से है, और इसके अलावा टेंटेटिव स्केड्यूल भी उन्होंने बता दिया है कि जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसका भी एक टेंटेटिव आपको डेट यहां पर मेंशन की है 1/8/2023 से 30/9/2023 के बीच में ये एग्जाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अगर आप डीडीएजेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप लोगों को एक जनरल आइडिया दो कि हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरीके का रहता है, तो डीडीएजेई एग्जाम पैटर्न आपका जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग 10 मार्क्स होता है, एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, अवेयरनेस 10 मार्क्स, और जो हमारा इंग्लिश है वो भी 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम 2 आवर्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, और इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको यहां पर हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारा नया अपडेटेड सिलेबस है, तो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू everyone।